मुरादाबाद नगर निगम द्वारा मुगलपुरा क्षेत्र में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों का अनादर करने के मामले में आज शिवसेना ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रेषित एक ज्ञापन देते हुए कार्यवाही की मांग की है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आज मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर नगर निगम के खिलाफ एक ज्ञापन डीएम को सौंपा। इन कार्यकर्ताओं का आरोप है कि नगर निगम ने धन का दुरुपयोग करते हुए मुगलपुरा क्षेत्र के लालबाग इलाके में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें गंदी नालियों को छूती हुई बनवा दी, जिससे हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंची है, जबकि इन चित्रों को बनाने की उक्त स्थान पर कोई आवश्यकता नहीं थी। विगत 5 जून को बनवाई गई पेंटिंग के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, जिसको आधार बनाकर शिवसेना ने प्रदेश के मुखिया के नाम एक ज्ञापन सौंपा। उसमें उन्होंने कहा कि महापौर और निगम के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए, इस प्रकरण में अगर कोई कार्यवाही नहीं होती तो शिवसेना उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। ज्ञापन एक माननीय डीएम साहब के बहुत के द्वारा देने जा रहे हैं। शिवसेना के सभी पदाधिकारी हम यहाँ पर हैं। मुख्य रूप से आप सब लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चला होगा, जनरल आप लोगों के माध्यम से पूरे मुरादाबाद में सब लोगों को जानकारी भी आया कि हमारे जो नगर निगम है उसने एक हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाने जैसे उद्देश्य से हिंदुओं के देवी देवताओं की चित्रों को नालों के किनारे और उसमें शमशान के उसके किनारे ये बना दिया गया, जिससे पूरे मुरादाबाद के हिंदू संगठन और हिंदू लोगों का सभी लोगों का शिवसेना मंडल इस तरह के सभी संगठनों का रोष व्यक्त लगातार हो रहा है और सारे हिंदू संगठन जिन अधिकारियों ने ये कृत्य करा है और ये नगर निगम के द्वारा जो हुआ उसके खिलाफ एक रिपोर्ट लिखने के लिए हम सब लोग लगातार प्रशासन को कह रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों ने जब ये सारी बातें सामने आई कि हिंदू देवी देवताओं के चित्र नालियों के किनारे बन गए, शमशान के किनारे बना दिए, उसे रातों रात मिटा दिया गया, ये ऐसा कृत्य कि एक खराब काम होने के बाद उसके बाद उसमें कार्रवाई न होकर के उसके साक्ष्यों को भी मिटा दिया गया। तो शिवसेना मांग कर रही है लगातार कि इन लोगों ने जिन लोगों ने ये करा इस पर एक जाँच बिठाई जाए और जो अधिकारी इसमें शामिल थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए और उनके खिलाफ एक FIR जो बनती है। जैसे आज सोशल मीडिया में आप लोगों ने देखा भी, दीपक अग्रवाल ने जरा सा सोशल मीडिया में कुछ डाला तो प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने आप को वो करने के लिए तुरंत एक FIR लॉन्च कर दी या हिंदू नेताओं के खिलाफ या अन्य संगठनों के खिलाफ एकदम FIR लॉन्च कर देते हैं। तो ऐसा कौन सा ऐसा वो है जिससे कि ये होने के बावजूद भी MNA हो गए और ये नगर निगम के अधिकारी हो गए, इनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही, ना कोई सा भी रिपोर्ट दर्ज करी जा रही है। तो हम आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और इसके बाद हम IG साहब से भी मिलेंगे और सारे हिंदू संगठनों की इसमें बैठक भी करी जाएगी और एक सप्ताह के अंदर ये नहीं हो तो इसमें एक बड़ा आंदोलन तरीके से कार्रवाई करेगी। जय भवानी जय।